एमएस स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ आपकी टीम का, बॉल बल्ले पे ठीक आ रहा है या पिच थोड़ी सी मुश्किल है? बसित भाई अगर आप ये देखें जो तीन मैचेस यहाँ हुए हैं, स्विंग हो रहा है थ्रू आउट, इवन दो पहले छः के बाद भी स्विंग हो रहा है और स्पिनर्स जब आते हैं तो बॉल फंस रहा है। आई थिंक बहुत अच्छा कामी भाई ने इनिंग खेली लास्ट मैच में भी, इस मैच में भी हम प्लान कर रहे थे, हमें पता था कि लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा हमारा इनएक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा लंबा जाए ताकि उनको एक अच्छा मैच हो। आई थिंक आइडियली वी वॉन्टेड के लोअर ऑर्डर से कोई आए अच्छा सा कैमियो खेले। आई थिंक यू नो वी स्टिल हैव अ गुड स्टोर एंड हमें पता है कि फाइनल कितना मुश्किल होता है, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स और उसमें चेस करना, बड़ी बड़ी टीमें बड़े बड़े बैट्समैन कलेप्स हो जाते हैं। तो आई थिंक 12 रन ऑलमोस्ट शॉर्ट है हम जो हमने प्लान किया था, लेकिन वी आर फॉर अ गुड फाइट, वी विल ट्राई टू फील्ड वेल एंड बॉल वेल इंशाल्लाह। कामरान अकमल का आपने ये बात की, आपकी पार्टनरशिप जब होती है ज्यादा दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, कोई आपस पे बात भी करते हैं या अंडरस्टूड होता सब? आई थिंक टू बी ऑनेस्ट मैं कामी भाई जब अपने फ्लो में होते हैं, एक बैट्समैन जब फ्लो में खेल रहा होता है T20 में तो उसको जाने देना चाहिए, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब उनकी लग रही हो तो मैं रोटेट कर लूँ और उनकी कोशिश ये होती है कि अगर मेरी लग रही हो तो वो रोटेट कर लें। एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है और मेरे ख्याल से उन्होंने आखिरी दो मैचेस में शो किया है कि एक्सपीरियंस जो है ना कितना फ़ायदेमंद होता है स्पेशली इस क्रंच गेम्स में, और इंशाल्लाह ताला यू नो आप देखेंगे कि ये 150 स्कोर जो है हम मेक श्योर करेंगे पूरी फाइट करें और हम इसको जाने ना दें और हमें पता है कि कितने प्रेशर में होगी दूसरी टीम। जस्ट अबाउट कपल ऑफ विकेट्स, उनके दो बैट्समैन इनफॉर्म है, अगर हम उनको अच्छी बॉलिंग करते हैं क्योंकि स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, बॉल फंस रहा है, टर्न हो रहा है, ये आसान नहीं होगा मैच। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।